नमस्कार, निरोग स्ट्रीट के स्पेशल शो निरोग संवाद में आपका स्वागत है। आज के शो में हम रोग और रोग के कारण और उसके उपायों के बारे में जानेंगे। इस परिचर्चा में आज हमारे साथ वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर स्नेहल कदम है। डॉक्टर स्नेहल कदम का आयुर्वेद के क्षेत्र में 17 वर्षों का अनुभव है। डायबिटीज, गायनेक, ज्वाइंट, मसल, स्पाइन डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के उपचार में इन्हें विशेषज्ञता हासिल है। डॉक्टर स्नेहल कदम, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, इसलिए हमने आज की बातचीत के लिए डायबिटीज को ही चुना है। पिछले कुछ दशक में डायबिटीज की बीमारी भारत में चिंताजनक रूप से तेजी से फैली है। डॉक्टर स्नेहल कदम, आप इसका क्या कारण मानती हैं? आज के जमाने में जो डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रहा है या रुग्णों की संख्या बहुत बढ़ी हुई लग रही है, तो उसका मेन रीजन लाइफस्टाइल है। पहले के ज़माने में क्या था, लोग खेती के लिए जाते थे या लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी फिज़िकल एक्टिविटी होती थी, मेहनत करते थे लोग, खेती करने जा रहे, कहीं बाहर भी जाते, ऑफिस के लिए भी जाते थे तो बस से ट्रैवल करना होता था, तो उतना वॉक हो जाता था, फिज़िकली एक्टिव थे लोग। अभी जो है फिज़िकल एक्टिविटी लोगों की बहुत कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफ बढ़ गई है, साथ में खाना पीना बहुत चेंज हो गया है। एक तो पहले घर का खाना ज़्यादा खाया जाता था, बेकरी प्रोडक्ट्स है, मैदा है, इन चीज़ों का यूज़ उतना नहीं होता था जितना अभी होता है। अभी वीकली हम यू देखें तो वीकली लगभग 2 या 3 दिन बाहर का खाना या नाश्ता करना या फिर कुछ ना कुछ मैदे की चीज़ें, जैसे कुछ लोगों के घर में बिस्किट रोज़ खाए जाते हैं या टोस्ट है रोज़ खाए जाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें चेंज हुई है तो ये सबसे मेन रीज़न है। इसके साथ में पोल्यूशन और दूसरा जो खाने पीने में जो अब एडल्ट्रेशन होने लगा है, इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड और सप्लाई का जो रेट है वो मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एडल्ट्रेशन के इश्यूज़ आते हैं। मतलब हम देखते हैं घी में भी एडल्ट्रेशन है, दूध में भी है, तो ऐसे खाने पीने में भी प्रॉब्लम्स है और लाइफस्टाइल में भी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ ये है कि काल, मतलब हम खाना कब खाते हैं, ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो स्पेशली यंग एज के लोग हैं, 18-20 से लेके 40-45 तक के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सुबह वो देर से उठेंगे, नाश्ता स्किप करके डायरेक्ट लंच करेंगे, वो भी लेट करेंगे 2-3 बजे के आसपास, फिर रात का खाना वो बहुत लेट खाएंगे क्योंकि रात को वो जागते हैं, तो रात को हम जितना जागते हैं उतनी हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो इसी की वजह से रात को खाना खाना और खाना खाने के बाद एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। शास्त्रों के अनुसार जो खाने का समय है और सोने का समय है, दोनों के बीच में मिनिमम 2-2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप रात को 10:30 बजे सो रहे हो तो 8 बजे तक आपका खाना हो जाना चाहिए, तो ये रूल कहीं पे भी फॉलो नहीं होता है। और एक शास्त्रों में ये रूल बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ रिलीजन्स में भी ये चीज़ आती है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, लेकिन क्योंकि उसका लॉजिक ये है कि जब सूर्य है, अग्नि है हमारा खाना पचाने के लिए, उस टाइम पे आप खाना खा लो तो डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। अगर सूरज डूब गया है मतलब हमारी अग्नि भी कम हो गई है शरीर में, तो हम वो जो खाना खाते हैं वो सही से पचता नहीं है, पचा नहीं पाते हैं, तो उस हिसाब से रात को, देर रात को खाना खाना नहीं चाहिए। बहुत से डायबिटीज़ पेशेंट में मैंने ये देखा हुआ है कि सिर्फ उनका खाने के टाइमिंग चेंज करने की वजह से जो शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते थे वो नॉर्मल लेवल पे आ गए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होना, खान पान अच्छा ना होना, खान पान का समय सही ना होना, ये मेन रीजन्स मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे इन रीजन्स की वजह से। मेडिसिनल, आपने टाइमिंग की बात की कि सुबह इतने टाइम खा सकते हैं और सूर्य से पहले खाना है। अभी जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हम जॉब पे जाते हैं तो हमारी 7 बजे छुट्टी हो रही है या 8 बजे छुट्टी हो रही है, हम घर लेट पहुंच रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि हम फिर वो चीज़ कैसे फॉलो करें, अपने
जॉब के साथ हम वो लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, जॉब के साथ ये लाइफस्टाइल कर मेंटेन करना बहुत आसान है। आप वैसे भी लंच बॉक्स लेकर आते हो, टिफिन लेकर आते हो ऑफिस में, ठीक है? तो आप सुबह जब नाश्ता करते हो ऑफिस के निकलने के लिए, उस टाइम पे आप लंच कर लो, ठीक है? 11 बजे से 10:30, 11 बजे से पहले पहले लंच कर लो। लंच लेकर आओ ऑफिस में। अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है घर और ऑफिस के बीच में, तो ऑफिस में डिनर लेकर आओ और ऑफिस में डिनर करके फिर घर पे निकलो। तो 7:30, जनरली ऑफिस 7 बजे तक होते हैं, 7:30 बजे तक, तो उस टाइम पे डिनर करके अगर आप निकलते हो तो आपको लेट खाना नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है? और इन बिटवीन अगर कुछ भूख लगती है आपको, तो एक हद एक फ्रूट है या फिर भुने हुए चने हैं और या फिर पॉपकॉर्न वगैरह है, ये सारे चीज़ें आप हल्का सा नाश्ता ले सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका वज़न भी कम होता है, और वज़न आज की तारीख में वज़न बहुत सारे डिसीजेस का मेन रीज़न है। तो इससे वज़न भी ठीक रहेगा आपका। और अगर आप बीमार नहीं हो, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, और आप चाहते हो कि हम बीमार ना हो आगे जाकर भी, आजकल लड़कियों में भी PCOD की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है, तो उनका भी वज़न बढ़ा हुआ रहता है, उनको भी लाइफस्टाइल का इशू होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में वज़न मेंटेन करना और लाइफस्टाइल मेंटेन करना, तो इस तरह से आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपका काम भी हैम्पर नहीं हो और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसका भी आप ध्यान रख सको। ये आपने बहुत अच्छा बताया, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं ये फॉलो कर पाऊँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी रखनी हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। वैद्यस ने डायबिटीज़ को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है, और आयुर्वेद में डायबिटीज़ का क्या उल्लेख मिलता है? आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को प्रमेह के नाम से बताया गया है, ठीक है? प्रमेह के पूरे 20 प्रकार बताए हैं। वातज प्रमेह के 4 प्रकार है, पित्तज प्रमेह के 6 प्रकार है, कफज प्रमेह के 10 प्रकार है, तो ऐसे टोटल 20 प्रकार बताए गए हैं। अब इसमें हमें जो मैक्सिमम देखने मिलता है वो तीनों प्रकार देखने मिलते हैं। तो जिसमें से वातज प्रमेह है, जो याप्य बताया गया है, मतलब वो ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा या बहुत मुश्किल होता है ठीक होना। पित्तज प्रमेह कष्टसाध्य बताया है, और कफज प्रमेह जो है वो सुख साध्य बताया, मतलब आसानी से ठीक हो सकता है। तो ये 20 प्रकार में जो मधुमेह एक बताया गया है, वो उसी को आज हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। डायबिटीज़ की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, उसमें बताया गया है, या हम सब जो जानते हैं उसमें बताया गया है कि डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। और आयुर्वेद में बताया गया है कि शुगर जो है, ब्लड शुगर जो है वो यूरिन में पास आउट होती है। यूरिन में जब शुगर पास आउट होती है, तब उसको डायबिटीज़ माना गया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और आयुर्वेद में जो मधुमेह बताया गया है, वो आज की तारीख में डायबिटीज़ है। इसीलिए बहुत सी बार आयुर्वेद की जो मेडिसिन आती है डायबिटीज़ रिलेटेड, तो उसमें मधुमेह का उल्लेख होता है नाम में, मेडिसिन के नाम में। आयुर्वेद के संहिताओं में इसका उल्लेख है, और इसकी ट्रीटमेंट भी अच्छे से बताई गई है। वैद्यसनील, क्या डायबिटीज़ किसी भी उम्र में हो सकता है, और आप इसका सबसे बड़ा कारण किसे मानती हैं? डायबिटीज़ के एक्चुअली 2 प्रकार हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बचपन से जुवेनाइल डायबिटीज़ बोला जाता है, और वो बच्चों में होता है। मतलब उसमें ये होता है कि उनके पैनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो वो इसीलिए वो बचपन से होता है, ठीक है? और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पहले मतलब आज से 10-12 साल पहले तक ये कंडीशन थी कि टाइप 2 डायबिटीज़ अप्रोक्स 40 के बाद देखने मिलता था, 40 ईयर्स की एज के बाद के लोगों को देखने मिलता था। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल और जो स्ट्रेस लेवल जो है काम का, तो उस वजह से 24-25 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ देखा जाता है, उनको डिटेक्ट होता है, और वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो एज का एज सच कुछ रहा नहीं है, अब कौन सी कोई भी एज में डायबिटीज़ के पेशेंट हर एज में देखने मिलते हैं। तो वैद्यसनील, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, जिन्हें हम पहचान सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि अच्छा ये लक्षण है और अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डायबिटीज़ में एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो शुरुआती लक्षणों में मिलता है, वो होता है जनरल फटीग, मतलब
आपको थकावट महसूस होती है। आप कुछ काम कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको थकान महसूस होगी, या फिर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी, आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। बहुत से पेशेंट अगर ध्यान दे तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो जब वॉशरूम में यूरिन करके आते हैं तो उसके बाद अगर फ्लश नहीं किया है तो यूरिन के आसपास चींटियां घूमती हुई नज़र आती है। ये आयुर्वेद में बताया गया है, क्योंकि पहले घर के अंदर वॉशरूम्स नहीं होते थे तो वो लक्षण देखने मिलता था, पता चल जाता था कि ये डायबिटीज़ हो सकता है इस पेशेंट को। तो ये सारे इम्पोर्टेंट लक्षण हैं और ये शुरुआती लक्षण है। एक ये भी है कि इसमें वेट लॉस हो सकता है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है जिन पेशेंट्स की, उनको वेट लॉस होना स्टार्ट होता है। अगर कोई मेजर रीज़न नहीं है कि आप उपवास कर रहे हो या आपका खाना पीने कुछ बदला नहीं है और आपका खाना बढ़ गया है, पॉलीफेजिया है, आप ज़्यादा खाना खा रहे हो, बार बार आपको भूख लग रही है, फिर भी वज़न घट रहा है, तो डेफिनेटली आपको शुगर लेवल्स चेक करवाने चाहिए, तो डिटेक्ट हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है। तो वैदेसिनल क्या ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है या फिर सिर्फ इसे नियंत्रित किया जा सकता है? डायबिटीज़ की दोनों चीज़ें हैं, वो पर पेशेंट डिपेंड करता है कि अगर कोई पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस होने की वजह से डायबिटीज़ हुआ है, या फिर बहुत कम एज में डायबिटीज़ हुआ है, शुरुआत ही हुई है अभी डायबिटीज़ की, तो ऐसे कंडीशंस में हम डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, मतलब क्योर कर सकते हैं, वो ठीक हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ घर में सबको है, मैटरनल साइड पैटर्नल साइड सबको डायबिटीज़ है, फिर ओल्ड एज में स्टार्ट हुआ है, लेट 40s में या इनिशियल 50s में स्टार्ट हुआ है, या फिर उनको क्रॉनिक हो गया, मतलब काफ़ी साल हो गए डायबिटीज़ हुए, 6-7 साल हो गए हैं, तो फिर उसके रिवर्स होने के चांसेस कम होते हैं। अगेन ये सारी चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती है। कुछ पेशेंट्स हमें ऐसे भी मिले कि जो क्रॉनिक डायबिटिक के पेशेंट थे, फैमिली हिस्ट्री भी थी, फिर भी रिवर्स हो गया। आपकी लाइफस्टाइल, आप कितना परहेज करते हो, अपना खुद का कितना ध्यान रखते हो, कितना एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हो, मेडिसिन कितनी प्रॉपरली रहते हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और साथ में आपका जेनेटिक्स भी, कि आपका इम्यूनिटी कैसी है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका डायबिटीज़ रिवर्स होगा या नहीं होगा। वैदेसिनल, इससे पहले आपने टेस्ट के बारे में बात की कि आपको टेस्ट कराना चाहिए, तब आपको डायबिटीज़ का पता चलेगा, फिर आप कंसल्ट वगैरह जो भी डॉक्टर से करवा सकते हैं। तो हम टेस्ट कब करवाएं? ये जो सारे मैंने लक्षण बताए कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो फिर भी वज़न कम हो रहा है, या कुछ ना करते हुए भी कुछ एक्सर्शन नहीं है फिर भी आपको वीक फील हो रहा है, यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, ये सारे लक्षण जब दिखते हैं तब आपको टेस्ट करवाने होते हैं, या फिर आप किसी चीज़ की वजह से डॉक्टर के पास जाते हो। जैसे हमारे पास जब पेशेंट आते हैं इन जनरल, तो एक तो उनका वेट कम हो रहा होता है, दूसरी चीज़ की या तो उनको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है जो क्रॉनिक हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा, परेशान हो गए, या फिर कोई वुंड है कहीं पे, कुछ लग गया है पैरों में या हाथों में, वो वुंड ठीक नहीं हो रही है, या फिर एक बहुत से पेशेंट को स्पेशली मेल पेशेंट में हमने ये देखा है कि बेलेनाइटिस होता है, मतलब पेनिस पे फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं, इनिशियली उनको नहीं पता होता कि ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम टेस्ट सजेस्ट करते हैं, क्योंकि या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है लोगों का, तो उसमें ईयरली एनुअली वो लोग अपने सारे लैब टेस्ट करवाते हैं उसमें, तो उस टाइम पे भी उनको पता चलता है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप आपके डॉक्टर के पास जाइए और फिर टेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें अलग अलग होती है, कि सिर्फ रैंडम ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड शुगर लेवल करना है, PPBS करना है, FBS करना है, इन सब के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। तो आप मे बी एक ब्लड टेस्ट करवाओगे और फिर पैनिक हो जाओगे,
तो उससे बेटर है डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आप उनके सजेशन से ब्लड टेस्ट करवाएं, ताकि डॉक्टर आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। आपने लक्षण में बात की कि भूख ज़्यादा लगती है, तो क्यों भूख ज़्यादा क्यों लगती है? होता यह है कि डायबिटीज़ पेशेंट में ब्लड शुगर लेवल भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो शुगर बॉडी के जिस पार्ट को चाहिए काम कर, जैसे मेरा ये हाथ अभी काम कर रहा है, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मेरे उंगलियों को शुगर चाहिए, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे नहीं पहुँचती है। ठीक है, अब जहाँ हाथ को अगर ज़रूरत है शुगर की और वो वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, तो हाथ जो है ब्रेन को निगेटिव फीडबैक देगा कि हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो ब्रेन क्या बोलेगा कि ज़्यादा खाना चाहिए और खाना चाहिए। तो इसी वजह से पेशेंट को बार बार भूख लगती है। शुगर है बॉडी में, एनर्जी स्टोर है, लेकिन वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, इस वजह से पेशेंट को बार बार भूख लगती है और पेशेंट ज़्यादा खाना खाता है। मेडिसिनल डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार यूरिनेशन के लिए क्यों जाना पड़ता है? इसमें क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी अतिरिक्त चीज़ हमारी बॉडी अपने आप में नहीं रखती। ठीक है, क्लिंजिंग प्रोसीजर बॉडी का 24/7 चल रहा होता है। तो जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में, तो वो ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा है, तो कुछ शुगर तो लीवर में स्टोर हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड में है, तो वो ब्लड में से शुगर बाहर निकालने का काम किडनी करती है। तो वो किडनी को शुगर बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए, वही एक सोर्स है शुगर बाहर निकालने का। ठीक है, तो वो पानी चाहिए किडनी को शुगर को फिल्टर करने के लिए ब्लड में से, इसलिए बार बार प्यास लगती है, इसलिए पेशेंट ज़्यादा पानी पीता है। मेडिसिनल, हमने पहले बात की कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है या उसे सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, आपने बताया कि उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, तो प्री डायबिटिक पेशेंट को क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने जो बताया था कि न्यूली डिटेक्ट हुआ है, अभी अभी डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज़, ऐसे पेशेंट को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो प्री डायबिटिक पेशेंट मतलब वो डायबिटीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको हम लाइफस्टाइल से और उनके खाने पीने की आदतें बदल के, थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड ऑन करके, इतनी चीज़ों से ही हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वो डायबिटिक होंगे ही नहीं। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि उनको आगे चल के कुछ महीनों में या कुछ सालों में डायबिटीज़ हो सकता है। अगर वो ये सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेते हैं तो उनको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। तो प्री डायबिटिक पेशेंट में रिवर्स नहीं होता है, वो उनके डिसीज़ की प्रोग्रेस ना हो वो ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस वो अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखे, खाने पीने का ध्यान रखे, तो वो डायबिटिक नहीं होंगे। कोई भी डिजीज़ हो बट लाइफस्टाइल मैटर करती है। बिल्कुल। मेडिसिनल एक टेस्ट के बारे में हम बहुत सुनते हैं, HbA1c, ये क्या है? HbA1c टेस्ट जो होता है, इसमें हीमोग्लोबिन में जो शुगर की वैल्यू होती है वो देखी जाती है। अब इन जनरल अगर हम बात करें तो वो 3 महीने का शुगर लेवल का एवरेज होता है, 3 महीने में आपकी शुगर लेवल ऑन एन एवरेज कितनी थी। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लास्ट मंथ का होता है, लास्ट मंथ का आपका जो लाइफस्टाइल रहेगा उसके हिसाब से HbA1c चेंजेस हो सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये 3 महीने का एवरेज है। इन जनरल जब नया नया डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो उस टाइम पे हम सिर्फ रैंडम ब्लड शुगर में अगर 150 अबाव या 200 के आसपास वैल्यू आ रही है, तो फिर हम FBS और PPBS करवाते हैं कि फास्टिंग में या और PPBS में कुछ चेंजेस है क्या। अगर उसमें भी बढ़ी हुई आई शुगर तो फिर हम HbA1c करते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज देख लेते हैं क्या एवरेज है, और फिर उस हिसाब से फिर हम अनाउंस करते हैं पेशेंट डायबिटिक है या नहीं है। मेडिसिनल आजकल जैसे बहुत ये ट्रेंड में भी चला है और डॉक्टर्स भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, आपको वॉक करनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आपको आप जॉब कर रहे हैं आप मॉर्निंग में नहीं कर सकते तो आपको लंच टाइम में आप वॉक कीजिए। तो क्या पैदल चलने से भी डायबिटीज़ ठीक हो सकता है? बिल्कुल, जिनकी शुगर लेवल फ्लक्चुएट होती है ना, या फिर जिनकी शुगर लेवल कंटिन्यूसली हायर साइड जा रही है,
उनमें देखा गया है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट जो है वो डेली 5 किलोमीटर का वॉक करते हैं तो उनके शुगर लेवल्स बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं, और यहाँ तक देखा गया है कि उनके मेडिसिन भी कम कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर आप ऑफिस जाते हो, मॉर्निंग वॉक के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, तो एवरी मील, मतलब आप मॉर्निंग में खाना खा रहे हो, रात को डिनर कर रहे हो, तो उसके बाद सिर्फ 20 मिनट के लिए भी वॉक करेंगे आप एक स्पेसिफिक पेस में, तो आप कार्डियक इश्यूज से भी दूर रह सकते हैं और डायबिटीज़ भी आपका ठीक होगा। तो वॉकिंग से डेफिनेटली शुगर लेवल्स पे इफ़ेक्ट होता है और वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो वॉक करना, अगर आपको शुरुआती दिन है, आप अभी फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, आपको थकान बहुत लग रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रात के डिनर के बाद थोड़ा सा आधा घंटा जिस स्पीड में आप चल सको उस स्पीड में, कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ज़रूरी है। आप वहाँ से शुरू करो, भले पहले 15 मिनट आप चल पाओ, धीरे धीरे ये टाइम आपका विद इन 10 डेज आपका टाइम भी इंक्रीज होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, आपको जो थकान लग रही है वो थकान लगना भी कम हो जाएगा। तो मिनिमम इतना तो डायबिटिक पेशेंट को करना ही पड़ेगा, तभी शुगर लेवल्स मैनेज हो सकती है। तो ये तो हमने बात कर ली छोटी सी एक्सरसाइज के लिए कि आप वॉक कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में हमने देखा है, हम मोस्टली अगर रिलेशन में भी या घर में भी किसी को है तो हम उनको ज़्यादातर मना करते हैं, आलू मत खाइए या ये मीठा है ये आप मत खाइए, बट उनको एक्चुअल में क्या क्या परहेज करना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को मेनली सबसे पहले तो जो एग्जैक्ट शुगर कंटेंट है, मतलब मिठाई है, चाय है, शरबत है या कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं सारे, या फिर एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि हम शक्कर नहीं खा सकते, चीनी नहीं खा सकते, तो हम गुड़ खा सकते हैं, लेकिन जितना चीनी इफ़ेक्ट करती है शुगर लेवल्स पे, उतना ही गुड़ भी इफ़ेक्ट करता है। ये मिथ है कि आप शुगर नहीं ले सकते तो आप गुड़ ले सकते हो, गुड़ भी डायबिटिक पेशेंट के लिए उतना ही हानिकारक होता है। इसी के साथ में आलू है, स्वीट पोटैटो है, राइस है, फिर पंजाब साइड में स्पेशली मक्की की रोटी चलती है, तो मक्की की रोटी खाने से भी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इन शॉर्ट, जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना होता है वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और शुगर वाला खाना, जैसे अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी में घी लगाकर खाते हैं तो आपके शुगर लेवल इतने हाइक नहीं जाता है। ठीक है, गेहूं की रोटी जगह आप ज्वार की या बाजरे की रोटी खाते हो तो भी वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो उससे भी शुगर लेवल्स मैनेज होने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो सिर्फ क्या अवॉइड करना है इतना ही नहीं, साथ में क्या खाना है इन चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। मेडिसिनल कुछ पेशेंट जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम वॉक तो कर लें बट हमें चलते वक्त दर्द होता है पैरों में, तो ऐसा क्यों होता है? उनको वॉक भी करनी है बट उनके पैरों में दर्द भी होता है, तो वो कैसे वॉक करें? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायबिटिक पेशेंट में शुरुआत में थकान लगती है जब वॉक करते हैं, क्योंकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे शुगर की ज़रूरत होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पे शुगर नहीं पहुँच पाती। अब हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और शुगर कंजम्पशन जो होता है, एनर्जी कंजम्पशन जो होता है, वो ब्रेन का होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि पैर जो है हमारे, वो सबसे पेरिफेरल ऑर्गन है, हमारे स्टमक वगैरह है, इंटरनल ऑर्गन्स जो है या ब्रेन है, ये सब प्रायोरिटी पे होते हैं, और पैर एक्सट्रीमिटीज है, सबसे पेरिफेरी पे है, तो उसको सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया गया है पैरों को। तो इसीलिए जब शुगर लेवल का या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैरों में सबसे लास्ट में एनर्जी जाती है, पूरे बॉडी को एनर्जी डिवाइड करके प्रोवाइड करके अगर बचती है तो वो पैरों में मिलती है, मतलब बचा कुचा अगर कुछ हो गया तो चला गया। तो इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट को हमेशा पैरों में दर्द रहता है। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि डायबिटिक पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है, मतलब शुगर लेवल की बढ़ने की वजह से या कंसिस्टेंटली ज़्यादा शुगर लेवल्स होने की वजह से
नर्व डैमेज होती है पैरों की, तो सबसे पहले जो नर्व डैमेज होती है वो पैरों की ही होती है मैक्सिमम पेशेंट्स में, ऐसा देखा गया है। तो वो नर्व डैमेज की वजह से, न्यूरोपैथी की वजह से भी डायबिटिक पेशेंट के पैरों में दर्द होता है। मेडिसिनल पीपी ब्लड शुगर क्या है? PPBS मतलब पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर लेवल्स। इसका मतलब है एक FBS होता है, एक PPBS होता है। FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। तो उसमें क्या होता है, फास्टिंग मतलब रात को आपने जब खाना खाया है उससे 10 से 12 घंटे बाद फिर आप जब शुगर लेवल सुबह में चेक करते हो तो उसको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोला जाता है। उसमें भी ये चीज़ है कि सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ब्लड शुगर चेक करने के लिए दे देना है, क्योंकि उसके बाद में अगर आप भूखे रहते हो तो आपके बॉडी का फैट मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है और आपको शुगर लेवल की जो प्रॉपर वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसी तरह से जो खाना खाने के 2 घंटे बाद जो शुगर लेवल चेक किए जाते हैं वो होते हैं PPBS पोस्ट प्रांडियल शुगर लेवल। मेडिसिनल डायबिटीज का सेक्स लाइफ पर क्या असर पड़ता है? डायबिटीज का सेक्स लाइफ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। एक तो सबसे पहले बेलानाइटिस जो मैंने डिस्कस किया था कि पेनिस पे फंगल इन्फेक्शन होना, तो वो चीज़ शुगर लेवल्स बढ़ने के वजह से वो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ कि प्री मैच्योर इजैक्युलेशन के चांसेस होते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, लॉस ऑफ लिबिडो भी होता है कि सेक्स की इच्छा ही नहीं होती। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स बढ़ने की वजह से स्पेशली मेल पार्टनर में हो सकता है। मेडिसिनल डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है? डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखा जाता है, जो पैरों में दर्द होना, पैरों की नसें खींचना या फिर पैर सुन हो जाना। शुरुआत उंगलियों से होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते कमर तक वो प्रॉब्लम आती है, कमर से पैर सुन हो जाते हैं, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। दूसरा है रेटिनोपैथी, मतलब आँखों की रोशनी चली जाती है, ऑप्टिक नर्व जो होती है उसकी न्यूरोपैथी होती है, तो वो रेटिनोपैथी हुआ। उसके साथ में तीसरा होता है नेफ्रोपैथी, क्योंकि किडनी को कंटिन्यूसली ओवरवर्क करना पड़ता है कि शुगर बाहर निकालने के लिए, तो इसकी वजह से नेफ्रोपैथी भी होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियक इश्यूज़ होते हैं। डायबिटीज़ की वजह से बहुत जल्दी कार्डियक इश्यूज़ डेवलप होते हैं। और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ये है कि ये स्वीट पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, कि धीरे 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 आपके शरीर को अंदर से दीमक की तरह ख़त्म करता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब एकदम डिस्ट्रक्टिव फेज में आएगा आपकी बॉडी, उस टाइम पर फिर सीधा ICU में एडमिट होना पड़ता है, तब पता चलता है कि हाँ नेफ्रोपैथी हुई है, हाँ कार्डियक इशू हुआ है कुछ। ठीक है, तो इन सब से बचने के लिए एक तो आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो परहेज है उसका प्रॉपरली फॉलो करना है, डेली 5 किलोमीटर वॉक करना है, मेडिसिन बिल्कुल सही से लेनी है और रात की नींद पूरी होनी चाहिए। नींद आपको सही से पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर इतनी चीज़ों का ध्यान रख ले तो वो कॉम्प्लिकेशंस होने से बच सकते हैं। आजकल स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में तो हम लैपटॉप पे काम कर ही रहे होते हैं, घर जाके हमें सीरीज भी देखनी होती। स्क्रीन टाइम का तो अब मैं क्या ही बताऊँ, वो तो काम है तो उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कि स्क्रीन टाइम में भी कुछ रूल्स होते हैं फॉलो करने के, कि थोड़ी थोड़ी हर 1 घंटे बाद आप स्क्रीन से दूर हो जाइए, जब आप काम भी कर रहे हैं तो आपकी पलकें झपकाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके स्क्रीन टाइम होने के बावजूद भी आप हेल्दी रह सकते हो। और वेब सीरीज़ का क्या करें? वेब सीरीज़ का कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा। टोटली अवॉइड कर दें या फिर वीकेंड पे 1-2 देख सकते हैं? देखो, वेब मूवी की बात अलग है और वेब सीरीज की बात अलग है। अगर मूवी है तो वो मैक्सिमम 2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वेब सीरीज में उसके 8-10-15 एपिसोड्स होते हैं और हर एपिसोड अगर एडवर्टाइज और ये सब कट कर दे तो भी मिनिमम 40-45 मिनट का होता है, तो वो 15 एपिसोड्स मतलब आपके वो लगभग 7-8 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उतने 7-8 घंटे का स्क्रीन टाइम वीकेंड पे भी हो तो वो बहुत ज़्यादा है।
मतलब आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि इस वीक इतना देख लिया, नेक्स्ट वीक इतना देखेंगे। सेल्फ लिमिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन में अगर आप स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे तो आपको कभी कोई हेल्थ इश्यू भी नहीं होगा और आपका एंटरटेनमेंट आप पूरी तरह से एंजॉय भी कर सकेंगे। पेडिसनल, ये तो हमने बात कर ली कि क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। डायबिटीज़ का आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है और वो कितना सक्सेसफुल है? डायबिटीज़ का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें पंचकर्म और आयुर्वेद मेडिसिन दोनों चीज़ें हैं। पंचकर्म में अभ्यंगम, स्वेदनम, बस्ती है, कुछ पेशेंट्स में हम विरेचन भी देते हैं और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिंस भी है। और इसकी सक्सेस की बात करें तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है डायबिटीज़ के जो टोटली रिवर्स हो चुके हैं, उनकी GTT टेस्ट निगेटिव आ चुकी है। तो और जो क्रॉनिक पेशेंट है जिनका रिवर्स नहीं हो सकता, उनकी जो एलोपैथी मेडिसिन लेने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर बार एक एक सॉल्ट बढ़ता जाता है, फिर भी उनकी शुगर लेवल्स भी साथ में बढ़ती जाती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आयुर्वेद वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि आयुर्वेद आपके एलोपैथी के मेडिसिन को धीरे धीरे टैपर ऑफ करके टोटली आयुर्वेद मेडिसिन पे लेकर आते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन में भी मैक्सिमम एक दो मेडिसिन चलती है रेगुलर बेसिस पे और उसके साथ में आप कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हो आयुर्वेद मेडिसिन के साथ या आयुर्वेद ट्रीटमेंट के साथ। साल में एक बार पंचकर्म कीजिए, रेगुलर बेसिस पे जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो कर लीजिए और साथ में मेडिसिन लीजिए, तो आप बिल्कुल आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, मैनेज रहेगा और आपको कोई भी आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। वेदिसनल, आपने पंचकर्म की बात की तो एक थॉट आता है ये वर्ड सुन के या एड्स वगैरह भी जो हम देखते हैं कि बहुत कॉस्टली होता है, तो ये डाउट रहता है लोगों के मन में, इसलिए वो सोचना भी नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ करवाएं या क्या, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि आपकी एलोपैथी की मेडिसिन डायबिटीज़ की सपोज 1000 या 2000 रुपये की आ रही है पूरे महीने की, उसके अगेंस्ट आयुर्वेद की मेडिसिन आ रही है 3-3.5 हज़ार की एक महीने की अप्रोक्स में, पर पेशेंट वो चीज़ें चेंज हो जाती है लेकिन फिर भी अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन के साथ आपको पैरों में दर्द हो रहा है या फिर आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं, BP की प्रॉब्लम हो रही है या सडनली आपको हार्ट अटैक आ गया या आपको नेफ्रोपैथी डेवलप हो गई, तो आपको तुरंत ICU में एडमिट होना पड़ता है। और जब पेशेंट ICU में एडमिट होते हैं उनका मिनिमम बिल 2-2.5 लाख का होता है, तो वो 2-2.5 लाख रुपए आप वहाँ पे एक बार में खर्च कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आपके सारे घर वाले रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप वही पैसा आप आपकी हेल्थ में, आयुर्वेद मेडिसिन में और पंचकर्म पे लगाएंगे तो डेफिनेटली आप भी खुशी खुशी रह सकते हैं, आपके घर वाले भी टेंशन फ्री रहेंगे और जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं आपकी बॉडी कंटिन्यूसली जो दीमक की तरह खाई जा रही है, खोखली हो रही है, वो आपकी बॉडी अच्छी बने रहेगी। तो पैसा सिर्फ लगता है या वो बना दिया गया है कि पंचकर्म में ज़्यादा पैसा लगता है, अगर आप ICU में जाओगे तो उस बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाएगा, उससे आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेना कभी भी बेटर है। मतलब वैसे आप फाइनेंशली, मेंटली, फिजिकली परेशान हो रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। बिल्कुल। मेडिसिनल, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है, उन लोगों को डायबिटीज़ ना हो उससे बचने के लिए उनको क्या करना चाहिए? जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है। जैसे मैंने खाने का शेड्यूल बताया, वो सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं है या सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, वो हर किसी को फॉलो करने के लिए है। ठीक है, सुबह 10-11 बजे से पहले खाना खाना और रात को 7:30-8 बजे से पहले खाना खाना, ये अगर फॉलो करते हैं, डेली थोड़ा सा वॉक करेंगे, मिनिमम 5-7 हज़ार स्टेप्स वॉक करेंगे, आइडियली तो 10 हज़ार होना चाहिए लेकिन आपके टाइमिंग के हिसाब से वॉक कर ले, मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो रात में वॉक कर ले, तो आप बिल्कुल डायबिटीज़ से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इन जनरल ऐसा देखा गया है अगर एक जनरेशन में डायबिटीज़
60 के एज में डिटेक्ट हुआ है, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में 50s में वो डायबिटीज़ होगा, उनके नेक्स्ट जनरेशन में 40s में होगा। मतलब अगर दादाजी को उनके 60s में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो पोते को 40s में होगा, ठीक है, उनके परपोते को 30s में होगा। तो इसी वजह से भी अब डायबिटिक पेशेंट बहुत कम एज के पेशेंट्स भी मिलने लगे हैं। तो ये जब हम हमारी लाइफस्टाइल सुधारते हैं तो हम ये टाइमिंग आगे बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको डायबिटीज़ कभी होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन उसका जो एज है वो एज आप आगे बढ़ाओगे। अगर आपको 40s में होने वाला है तो आप 50s तक ले जा सकते हो, या 60s में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बहुत मिनिमम इफ़ेक्ट के साथ वो डिटेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं, हम सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल और हमारे एक्सरसाइज और वॉक से। डॉक्टर स्नेहल, हमारे पास ना कुछ दर्शकों के सवाल आए हैं जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये हमारे जो दर्शक हैं ये हैं सुप्रिया गुप्ता लखनऊ से। उन्होंने पूछा है कि उनके 10 साल के बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें इंसुलिन तो मैंडेटरी है, हम इंसुलिन देना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनता ही नहीं है, उनकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है, तो वो बाहर से हमें देना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो उसके लिए हम उनके बेटे को रेगुलर बेसिस पे पंचकर्म करवाना, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, जो जैसे उसके शुगर लेवल्स है, जो उसकी कंडीशन है उस पर वो चीज़ें डिपेंड करती है, और साथ में आयुर्वेद मेडिसिन एज अ एडजुवेंट थेरेपी देना, एलोपैथी मेडिसिन या इंसुलिन के साथ में ये चलाना, इससे उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। एक दूसरा सवाल है, प्रकाश बरवाल ने आसनसोल पश्चिम बंगाल से पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनका एलोपैथी इलाज चल रहा है, वो प्रॉपर दवा भी खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो मैंने थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात की थी कि एलोपैथी दवाइयों में एक एक सॉल्ट बढ़ता जाता है, उसकी पावर मेडिसिन की बढ़ती जाती है, लेकिन फिर भी शुगर लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो एलोपैथी की मेडिसिन्स होती है ये दो तरह से काम करती है। आपका ब्लड शुगर जो है वो या तो लीवर में स्टोर करेगी या तो किडनी में से बाहर निकाल देगी। इसीलिए एलोपैथी मेडिसिन्स चलते हुए भी कॉम्प्लिकेशन स्पेशली नेप्रोपैथी देखी जाती है पेशेंट्स में, ठीक है। लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ शुगर पहुँचाना, ये दोनों काम एलोपैथी मेडिसिन से नहीं होता है। इसी वजह से उनकी मेडिसिन भी बढ़ती जाती है, साथ में उनके शुगर लेवल्स भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए हम ऐसे डायबिटीज़ में आयुर्वेद ट्रीटमेंट इसीलिए सक्सेसफुल है, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटीज़ होने का मेन रीज़न है, उसको रिपेयर करने का काम आयुर्वेद करता है, जिसकी वजह से जो शुगर जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ हो जाती है, ब्लड में अपने आप शुगर लेवल्स डाउन होते हैं, ना किडनी को ओवरवर्क करना पड़ता है, ना लीवर में एक्स्ट्रा स्टोरेज होता है। तो इसी वजह से आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इनको, प्रकाश जी को, या तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर एज ए एडजुवेंट थेरेपी एलोपैथी मेडिसिन के पास साथ में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको आगे और कॉम्प्लिकेशंस ना हो और शुगर लेवल्स मैनेज हो जाए। प्रकाश परनवाल जी, हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर कोई और सवाल भी है आपका। तो वैद्यस्नेहल, एक सवाल दिल्ली से दीपिका का है, वो एक आईटी प्रोफेशनल है। उनका सवाल है कि यदि वो अपना वजन कम कर लेती हैं तो क्या उनका टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है या नहीं, इस पे तो मैं श्योरली नहीं कह पाऊंगी क्योंकि उनकी बाकी चीज़ें मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, वजन कम करने से आपका डायबिटीज मैनेज ज़रूर हो सकता है। जो कंटिन्यूसली शुगर लेवल्स हायर साइड में जा रहे होते हैं, वो वज़न कम करने से आपके शुगर लेवल्स मैनेज हो जाते हैं, नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आप वज़न किस तरह से कम कर रहे हो, वो भी मैटर करता है। बहुत से लोग वज़न कम करना है मतलब खाना पीना बंद कर देना है, या फिर सिर्फ रॉ सलाड पे रहते हैं,
तो सलाड जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से डाइजेशन में बहुत हेवी है। कोई भी रॉ फूड जो होता है वो डाइजेशन में हेवी होता है। तो जब आप सलाड खाते हो तब आप आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हो, उसको प्रॉब्लम देते हो, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और डायबिटीज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ी हुई होती है। तो उससे बेटर है अगर आप डाइट करना चाहते हो वज़न कम करने के लिए, तो सलाड की जगह उसी वेजिटेबल्स का आप सूप बना लीजिए। कोई भी डाइट लीजिए आप, लेकिन कुक फूड लीजिए जो पका हुआ हो। बिल्कुल रॉ फूड, कच्चा फूड आप वज़न कम करने के लिए मत लीजिए। उसके साथ में जो मैंने पहले काफ़ी बार बताया मैंने कि जो आपका खाने का समय है, आईटी प्रोफेशनल है जो आपने बताया, उसके हिसाब से मे भी उनके खाने के समय में दिक्कत होती होगी। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ खाने का समय सुधारा जाए तो भी उनका वज़न कम हो जाता है। तो उसमें आपको अलग से भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस आपका समय चेंज कर दीजिए, भरपेट खाना खाइए, दूध वगैरह बंद कर दीजिए, तो आपका वज़न कम हो जाएगा। दीपिका जी, मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना वज़न कम करें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए भी। वैदिसनील, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में डिप्रेशन भी कोई रोल? हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट इन जनरल क्या होता है ना कि उनको थकान लगती है, उनके बॉडी में वो एनर्जी होती नहीं है, वो काम कर नहीं पाते हैं और काम का स्ट्रेस होता है, इसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट डिप्रेशन में जाते हैं। डायरेक्टली डायबिटीज़ और डिप्रेशन का कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन ये इस तरह से घूम के चीज़ें होती है। या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि आजकल जो मैंने एज ग्रुप की बात की कि बहुत कम एज के लोगों को भी डायबिटीज़ होने लगा है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते कि मेरी एज इतनी कम है, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, फिर भी मुझे डायबिटीज़ क्यों हुआ। लेकिन उनको मतलब उनके माइंड में वो चीज़ें नहीं होती कि मेरे दादाजी को इस एज में था, मेरे पापा को इस एज में था, या मम्मी को इस एज में था, इसलिए मुझे इस एज में है। तो उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि सडनली डिटेक्ट होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। बाकी डायरेक्ट डायबिटीज़ और डिप्रेशन का कोरिलेशन नहीं है। एक आखिरी सवाल मेरा और है कि मैंने जो सुना है कि प्रेगनेंसी में भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। जी हाँ। तो इससे माँ और बच्चे पे क्या असर पड़ता है? उसको इस चीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। उसमें प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वैसे ही प्रेगनेंसी में भी काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसी की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, और उससे माँ और बच्चे पे दोनों पे उसका असर तो होता ही है। जैसे जो डायबिटीज़ के सारे मैंने साइन सिम्टम्स बताए हैं, वो मदर उससे सफ़र करती है। और बच्चे में जो मैंने बताया कि कम एज में डायबिटीज़ डिटेक्ट होना, वो प्रॉब्लम हो सकता है। और डायबिटीज़ की वजह से शुगर लेवल्स अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उस वजह से कंजेनाइटल एनोमोलिस, मतलब जन्मजात कुछ विकृतियाँ होती है, वो होने की भी संभावना हो सकती है। तो शुगर लेवल हमें मैनेज करना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। वैदिसनील, अंत में आप वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सबको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, और दूसरी चीज़, जिनको डायबिटीज है वो अपना बहुत ध्यान रखने, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और डेली 5 किलोमीटर का वॉक करें, तो आपके शुगर लेवल्स बहुत ही आसानी से मैनेज हो जाएंगे और आप कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत सुधर जाएगी और आप अच्छे से आपका जीवन गुजार सकेंगे। तो आज के दिन आप सबके लिए यही संदेश है। वैदिसनील, आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा। निरोग संवाद के आगे के एपिसोड में हम फिर एक नए विषय के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होते हैं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।